तूने उसे देखा? पहचान लेगा तू उसे? बोलना, पहचान लेगा? पहचान लूंगा। हाइट क्या है उसकी? मेरे जितना ही है। उसका रंग क्या है? बता, रंग क्या है? मेरे जैसा ही है। क्या उम्र होगी? मेरी उम्र का ही होगा। उसका नाम जानता है? हाँ, बताया था। नाम बताया? हाँ। क्या नाम बताया? क्या नाम है? बोल 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 बे। शिवा, यो होलिया मैंने बताया, सब सही ही है ना? और अब मैं तुम सबका होलिया बिगाड़ूंगा। ये ट्रेलर था, अब पिक्चर दिखाता हूं। ये भाला लेके क्यों घूम रहा है? पटाखा कैसा फूटा? सिर्फ मारने के लिए करता है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ आम के लिए, पेड़ के लिए, नारियल के लिए, लकड़े के लिए, कांदे के लिए, फनस के लिए, मटन के लिए, चिकन के लिए। बचपन से लेकर आज तक इसके साथ हम लोग खेलते रहे हैं गांव में। हम वो लोग हैं जो इसे लेके सिर्फ घूमते नहीं, इसे बनाते भी हैं। इसलिए तेरे हाथ में बिल्कुल शोभा नहीं देती। जाओ जाओ। नहीं, नहीं, नहीं। नंगी तलवार से तुझे मारा तो वो कत्ल होगा। अब सब कहेंगे तेरा वध किया गया। जिसके आने से होगा धमाल, हर तरफ होगी खुशियाँ बेमिसाल, झूले में झूलेगा वो सबका लाल। ना 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 ना। ये कहाँ से टपक पड़ी? अरे ये तो शिवा है
और मुझे देखकर भाग रहा है। मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम चेन्नई आ गए हो? तुम्हें बता देता तो तुम जीजा जी को बता देती, और मैं नहीं चाहता था उन्हें परेशान करूं। ओह, तो ये मसला है। अच्छा, तुम कहाँ रुके हो? मुझे बताओ, मैं मिलने आ जाऊंगी। देखो, मेरा काम फील्ड वर्क का है, मेरा कोई एक ठिकाना नहीं है। तो फिर मुलाकात कैसे होगी? जैसे आज अचानक टकरा गए, ऐसे ही टकराते रहेंगे हम लोग। मैं तुम्हारी तरह ट्यूबलाइट नहीं हूँ। आज तो मैंने तुम्हें किसी तरह पकड़ लिया, अगली बार नहीं पकड़ पाई तो क्या करूंगी? अच्छा, वो सब छोड़ो, पर जीजा जी को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, वादा करो। संडे टू संडे तुम मुझसे इसी जगह इसी वक्त मिलोगी, पहले ये वादा करो, तभी अपना मुंह बंद रखूंगी। अगर तुम वादा नहीं कर सकती तो मैं भी वादा नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा, करता हूँ। ठीक है, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आज शिवा को मैं सब कुछ बता दूंगी कि डॉक्टर ने क्या क्या कहा है, बस तेरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। क्या बात है, आज माँ बेटी यहाँ बैठी है? अरे वो भैया फोन करने वाले है ना, इसीलिए बैठे है। हाँ भैया, काव्या बोल रही हूँ। कैसी हो तुम, ठीक तो? वो सब छोड़िए, आप आ क्यों नहीं रहे हैं? अगर डिलीवरी के वक्त आप नहीं आए ना, तो आपका भांजा आपसे कभी बात नहीं करेगा और मैं भी नहीं करूँगी, समझे? ठीक है, भांजे से बात तो करो। नहीं, उससे नहीं, मुझसे बात कीजिए। अरे करा ना। भैया क्या बोल रहे हो? रिसीवर को अपने पेट पे रख दे। और मेरे भांजे, सब ठीक है ना? तुम्हारे मामा जी शहर में तुम्हारे लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, ताकि जब तुम इस शहर में आओ तो तुम्हें कोई भी तकलीफ ना दे, लेकिन तब तक तुम अपनी माँ को तकलीफ मत देना। दिल तो करता है तुम दोनों से कभी दूर ना जाऊं, पर मजबूरी है। गोद भराई के वक्त भी तुम लोगों के पास नहीं रह सका, इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा मुझे। हो सकता है कि डिलीवरी के वक्त भी नहीं आ सकूं, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुर्बानी हम लोग दे रहे हैं ना, उसका फल हमें बहुत जल्द मिलेगा, मैं वादा करता हूँ। पर जल्द ही मैं वापस आ जाऊंगा और हम सब मिलकर खुशी खुशी साथ रहेंगे। चल, बहुत बातें हो गई, माँ को फोन दे। अच्छा भैया, कर ली अपने भांजे से बात? हाँ जी, भर के बातें की। क्या बात हुई बताओ? ये हमारे बीच की बात है। अभी से मामा भांजे का शुरू हो गया, मुझे भी बताओ ना क्या बात हुई। अच्छा सुन, माँ भी साथ में? यही पर है। मुझे दे शिवा। अच्छा माँ, काव्या को डॉक्टर के पास ले गई थी? हाँ ले गई थी, सब अच्छा है, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, बच्चा भी तंदुरुस्त है, और डॉक्टर ने डिलीवरी की तारीख भी बताई है, 1 जनवरी। क्या कहा माँ, कौन सी तारीख? 1 जनवरी। शिवा, अब मैं बोलते जाता हूँ, तू टाइप करते जा। क्या? जल्दी कर। भैया, भैया जरा इसे तो देखिए, किसी ने हमें सरेआम नंगा कर दिया है, मुंह पे थूक दिया हमारे। क्या बक रहा है? भैया किसी ने चिट्ठी लिखी है, वो भी अंग्रेजी में। तुम लोगों में से कौन अनपढ़ नहीं है? सब अनपढ़ हैं। सर। क्या बात है? गुड मॉर्निंग सर, आई एम सेल्समैन, आई एम सेलिंग दिस बिस्किट सर। दिस बिस्किट इज वेरी हेल्दी, इट टेस्ट बेटर विद टी सर, इट गिव्स एनर्जी एंड स्ट्रेंथ सर। सर दिस इज बाय वन गेट वन फ्री सर। तेरे से पढ़े लिखों की कमी थी आज। आजा, चिंता मत उतार, आजा। ओके सर। सर द कैलोरी काउंट ऑफ दिस? हां यस यस, सारे लूंगा सारे लूंगा। अब ये काम कर, ये लेटर पढ़ के सुना, किसी ने अंग्रेजी में प्रेम पत्र भेजा है, तू इसे हिंदी में समझा। ओके सर। ले पढ़ पढ़ पढ़। सर, हुए सत्तू सुपारी कौन है? क्या रे, बादशाह के सामने खड़ा होकर पूछता बादशाह कौन है? चुप चुप, मैं ही हूँ। तू पढ़ पढ़ पढ़। मेरे प्रिय दोस्त सत्तू सुपारी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जाहिल कवार कहीं के, इसमें लिखा हुआ है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, आप खुद पढ़ लो। तो आप पढ़ लो भाई साहब, आप ही पढ़ लो, मुझसे नहीं होगा। होगा होगा, आगे बढ़। सुन बे सत्तू, 31 दिसंबर तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जिंदा रहना है तो ये शहर छोड़ के कहीं दूर चले जा, और बची खुची जो जिंदगी है उसे खेती बाड़ी करके गुजार, वरना वो हाल करूंगा कि मौत की भीख मांगेगा मुझसे। सर इसमें लिखा है, आगे बढ़। ये मेरा वादा है तुझे, इसे धमकी मत समझना।
कौन सी तारीख? हैप्पी न्यू ईयर होता है उसी दिन। तू एक तारीख का सूरज नहीं रहेगा। इसे चिट्ठी नहीं मौत का फरमान समझ। सर इसमें लिखा हुआ है वही पढ़ रहा हूँ। सर मुझे बिस्किट बेचने, प्लीज मुझे मुझे जाने दीजिए। कौन है ये शिवा? कौन है शिवा? बताओ निकम्मा। भाई मुझे आपके सर की कसम है, अगर वो लड़का मिल गया ना तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके आपके कदमों में डाल दूंगा। भाई साहब इस बिस्किट के साथ ना निप्पल फ्री है, ये लो। अबे अच्छा लग रहा हो, इसे रख लो, मैं चलता हूँ। मुझे धमकी देता है, तू जानता है वो कौन है? किधर छुप के बैठा? बोल जल्दी, तू तो जानता ही होगा। बोल बोल जल्दी बोल, नहीं तो नीचे फेंक दूंगा। वो इस शहर का रहने वाला नहीं है, लेकिन ये मेरा शहर है और मुझे ही छोड़ने के लिए कह रहा है। वो जिस कोने में भी है उसे ढूंढ निकालो, मैं अपने हाथों से उसका गला काटूंगा और चौराहे पर लटका दूंगा। औकात क्या है उसकी?